नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीजू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जो टेक्निकल टीम है वो पहले इन्फॉर्म कर चुकी है कि आपके पास ड्यूरेशन है ओनली 6 मिनट। मुझे जो मुद्दा मिला है उस पर हम लोग 6 मिनट नहीं 6 दिन बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा मेन मकसद है, जो मेन मैसेज है, जो कोर मैसेज है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। ये वीडियो है गर्ल्स स्पेशल वीडियो, जिसकी बातें हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं। हर एक वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि सर स्पेशल वीडियो कहां गया, गर्ल्स का अभी तक नहीं आया। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को अपने गार्जियन के सामने प्ले करें। आपके घर में आपकी दादी हैं, आपके दादा हैं, आपके गार्जियन में बड़े भाई बड़े बहन हैं, आपके पापा या मम्मी हैं, आप उनको भी ये वीडियो दिखाएं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आपको मैं वो पहले एक बार बताया था कि मेरे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ रही थी, वो सुपर 40 की थी। उस स्टूडेंट वो लड़की थी और उस लड़की को बस इसलिए नहीं आने दिया गया कि वो एक लड़की थी। उसको एडमिशन होने के बावजूद BHU में नहीं भेजा गया कि उसको बिहार से BHU आगे पढ़ना था। उन्हें लगता था कि इतनी दूर जाके मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, या उन्हें लगता था कि तुम जाके वहां क्या पढ़ाई कर लोगे, आओ हम तुम्हारा नाम ही नजदीक में लिखवा देते हैं। तो आज मेरा एक अपील है कि आप लोग अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए जरूर भेजें, यदि उनकी इच्छा है तो। अगर वो कुछ बनना चाहती हैं, यदि वो कुछ करना चाहती हैं, मुझे पता है कि ये मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन वो एक लोग को जो आप देख रहे हो उनको जरूर इफेक्ट डालेगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं बनारस में रहता हूँ, BHU में पढ़ता हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। थोड़े मोटे अगर केसेज, मुझे नहीं पता उतने बड़े लेवल पे, लेकिन अगर दिखे तो उसके लिए यहाँ पे प्रशासन है। और दूसरी बात, जो बुरी चीज़ें हैं वो हमारे देश के हर कोने में है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेटियों के पैर बांध दोगे, आप उनको आगे बढ़ने नहीं दोगे बस इसलिए कि आप डर गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी बेटियों को घर से भेजने के पहले उनको मजबूत बना के भेजिए। आप उन्हें कुछ ऐसा सिखा के भेजिए कि वो अकेले भी बाहर निकल के बहुत अच्छे से सर्वाइव ही नहीं, वो अपना कैरियर डेवलप कर सके, और आने वाले समय में जो जनरेशन है, जो उनके हाथ में है, वो उसको और अच्छा बना सके। क्योंकि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई यूट्यूब चैनल बात नहीं करेगा, क्योंकि लोग इस टॉपिक पे बात करने से कतराते हैं। मैं बात कर रहा हूं गर्ल्स एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का। सो प्लीज जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, चूंकि मेरे पास ड्यूरेशन ऑलरेडी बोला गया 6 मिनट ही है, तो मैं आपको इस वीडियो में ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोग ये सोच के नहीं आ रहे हो कि हाँ BHU जाके क्या कर लेंगे, और दूसरी बात कि वहां सिक्योरिटी नहीं होगा, तीसरी बात वहां रहेंगे कैसे, वहां खाएंगे कैसे, मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वही लड़की है जो कि अपने मेहनत से 3,000 रुपए कमाती है, 1,000 रुपए अपनी मम्मी को भेजती है, और 2,000 रुपए में वो अपना 1,500 रुपए हॉस्टल का देके 500 रुपए में अपना खर्चा चलाती है। ये वो एक लड़की है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देखिएगा। तो हमारे समाज में हर वैरायटी के लोग हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, करना क्या है। वो गोरखपुर से लड़की आके आज इतना ज्यादा सब कुछ अपना मैनेज कर रही है, घर से चावल दाल आटे लाके, कभी बस चावल दाल खा के, कभी बस रोटी बना के और सब्जी खा के शायद वो रह जाती होगी, लेकिन अभी भी उसके अंदर जब मैंने बात किया तो पढ़ने का वही जज्बा कि मुझे UPSC करना है, मुझे स्टेट PCS निकालना है। तो आप इस जज्बे को शांत मत होने दो, क्योंकि ये एक लड़की अगर अच्छा करती है तो आने वाली जनरेशन में सुधार होगा। सो मेरा ये अपील है कि आप अपने बेटियों को पढ़ने के लिए रोकिएगा नहीं। अगर वो कुछ बनना चाहती है तो मैं एक और वाक्य बता रहा हूं, मेरे आसपास का वाक्य है, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेची। आज उनके घर की दोनों बेटियां, उनके घर की दोनों बेटियां जहां तक मुझे याद आ रहा है वो सिविल में हैं, वो इसी बनारस की एक किसान घर की बेटी थी। तो आप उनका, उनके सफलता में एक सपोर्ट बने, अगर वो आगे अपना इतिहास रचती हैं तो आप उसमें हेल्पफुल बने, मतलब आप उनकी मदद करें, ना कि आप उनको डीमोटिवेट करें। आए दिन मुझे ऐसे मैसेज मिलते हैं, कभी कभी कम्युनिटी में हमें ऐसे कमेंट मिल जाते हैं कि सर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनली मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करने आया था, अगर कोई प्रॉब्लम और होगा तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, मेरा नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया का, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप अपना आराम से कहानियाँ बता सकते हो, गार्जियन से बात भी करा सकते हो, मैं उन्हें सजेस्ट भी कर सकता हूँ। तो इसी वीडियो के साथ मैं
वीडियो को बंद करता हूं, लेकिन अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हाँ बात नहीं समझ में आई और समझाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगा। तो मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियो देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बीएचयू पाठशाला का एक नया चैनल है नीड दर्शन, ऐसे ही मोटिवेशनल और करियर डेवलपमेंट की बातें करने के लिए इस नए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और आपके गार्जियन भी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। मुस्कुराते रहें।